हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 या 4.25 इंच रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 15 साढ़े 15 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ से करीब 5 इंच पर या 5.5 इंच पर, आप किसी पर भी निशान लगा सकते हैं। ये निशान मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक बारीक सी लाइन हम खींच लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से अपने गले को गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच या 1.25 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं और नीचे भी हमें इस तरह से निशान लगाना है। इतनी ही चौड़ाई में यहाँ पर भी निशान लगाना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद हमारी ये जो बीच में बारीक सी पट्टी है इसकी भी हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और कपड़े की लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि हमारी जो गले की कटिंग है वो आराम से इसके ऊपर आ जाए। इसको मैंने डबल किया हुआ है और हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है तो पहले हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। हमारे ये जो कट हैं इस तरह से हमें अपने गले को रख के तब प्रेस से इसको पेस्ट करना है। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा बार बार से इसकी कटिंग कर देते हैं चारों तरफ से। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर किनारे से थोड़ा सा हटके एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं। यहाँ पर एक कट लगाते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और बीच में एक कट लगाते हैं। ये दोनों कट मिलाते हुए और ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें नीचे की लाइन का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल हमारी बुकरम के बीच में आनी चाहिए, यानी इस कपड़े के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। इसको हमें देखते रहना है। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से अपने गले की कटिंग करते हैं। इसके बाद हम बिल्कुल बीच में से इसकी कटिंग करेंगे। और छोटे छोटे से कट हम ऊपर की साइड गले में लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं। इसके बाद हम एक पट्टी बनाते हैं। पहले मैंने इसको ऊपर से फोल्ड किया है और फिर इसको मोड़ के यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। और इस पट्टी की जो लंबाई है वो करीब करीब 8.5 से 9.5 इंच तक है, और इसकी चौड़ाई आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हैं डबल करके। हम इस पट्टी को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं। इसके बाद हम डोरी बनाते हैं, और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम करीब 2.5-2.5 इंच के इसमें से हम पीस करेंगे। ये पट्टी हमें यहाँ से करीब 2 इंच नीचे लगानी है। आप 1.5 इंच नीचे भी लगा सकते हैं और 2 इंच नीचे भी। तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और दोनों साइड ये निशान लगा लेंगे। हम गले के किनारे से सिलाई लगाने शुरू करेंगे और इस निशान तक लगाएंगे। इस निशान पर आने से पहले हमने जो पट्टी बनाई है इसको हम बीच में से, हमने जो बीच में निशान लगाया है यहाँ पर, इस निशान के बिल्कुल नीचे रखते हैं और इसके बाद हमने जो लुप्पी बनाई है वो लुप्पी लगानी शुरू करेंगे। बीच में से हम अपनी डोरी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके नीचे रख के हम इनको लगाते जाएंगे। आप इनको बिल्कुल मिला के भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, और थोड़ी दूरी पर भी लगा सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको थोड़े बड़े बटन लगाने हैं तो लुप्पी थोड़ी बड़ी रखिए बाहर की साइड को, और अगर छोटे बटन लगाने हैं तो लुप्पी थोड़ी बाहर की साइड छोटी रखिए। ये सारी लुप्पी बराबर बाहर की साइड चमकनी चाहिए। एक साइड मैंने ये लुप्पी लगा ली है, और जब हम दूसरी साइड आएंगे तो बिल्कुल इन लुप्पियों से मिलाते हुए हम दूसरी पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इनको हम इस तरह से करते जाएंगे। फिर इसी सिलाई को हम लगाते हुए गले की दूसरी साइड लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से लुप्पी लगाने में थोड़ी असुविधा होती है तो आप दूसरी तरह से भी लुप्पी लगा सकते हैं। आप पट्टी लगाने से पहले लुप्पी लगा लें, यानी पट्टी आप बाद में लगाएं, पहले आप ये लुप्पी लगा लें, उसके बाद नीचे पट्टी रख के आप दोनों साइड सिलाई लगा लें। और आपको एक ध्यान और रखना है, लुप्पी दूर या पास रखना वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आपको थोड़े बड़े बटन लगाने हैं
तो आपको ये लुप्पी थोड़ी दूर लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपके बटन नहीं आएंगे। इसके बीच में मैं थोड़े बड़े वाले मोती लगा रही हूँ और हमें लुप्पी के बीच में सुई निकालनी है। मैंने इसमें डबल धागा डाला हुआ है, फिर हमें बीच में देखिए यहाँ पर सुई निकाली हुई है, फिर हमें इस मोती में इस तरह से डालनी है और इसको दो तीन बार हमें पक्का कर देना है। इसी लुप्पी के बीच में से दोबारा हम टाका लेंगे और आप चाहें तो लुप्पी में भी एक दो टाके लगा सकते हैं, यानी लुप्पी से मोती अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल हम सो के लिए लगा रहे हैं, इसको हमें बंद नहीं करना है। इस तरह से हमें पूरी लुप्पियों के बीच में रखते हुए जाना है और इनको लगाते जाना है। ये हमारे नेक का फाइनल लुक है और उल्टी साइड आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर मोतियों वाले बटन भी आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैचिंग बटन भी लगा सकते हैं और फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।